हेलो फ्रेंड्स, मैं रितु भाटिया चटपटी तारा का जायका चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बनाऊँगी पालक पनीर। इसके लिए मैंने 400 ग्राम पालक ली है, जिसको हमने पालक के पत्ते अलग करके रख लिया है। इसके लिए मैंने 200 ग्राम पनीर लिया है। पालक का एक यूनिक तरीका बताऊँगी, जिससे इसका कलर चेंज नहीं होगा। सबसे पहले हमें पालक को धो के साफ़ कर लेना है। पालक में बहुत मिट्टी होती है, इसलिए सबसे पहले पालक को 3-4 पानी धो करके साफ़ करेंगे। अब ये पालक को हमने धो लिया है, धो करके साफ़ करके रख लिया है। अब हम इसका एक यूनिक तरीका ये है, पालक का कलर चेंज ना हो इसके लिए हमें कुकर में पालक को नहीं उबालना है। इसके लिए हमें पतीले में पानी को पहले बॉईल करने के लिए रखना है, और जब इसमें बॉईल आ जाए तब हम उसमें पालक जो हमने धो करके रखी है उसको उबालेंगे। अभी हम इसको कुकर गैस पर चढ़ाएंगे, और इसमें 2-3 उबाल आने के बाद ही हमारी जो साफ़ की हुई पालक है उसको डालेंगे, ताकि उसका कलर चेंज ना हो। ये देखिए, अभी इसमें उबाल आ गया है। अब हम इसमें अपनी धोई हुई पालक को उबालेंगे। इसको हमें 10 से लेके 15 मिनट तक उबालना है। अभी मैं आपको एक ट्रिक और बताऊंगी, जिससे कि पालक का कलर चेंज नहीं होता, वह अपने ओरिजिनल कलर में रहती है और उसका कलर डल नहीं होता। अभी हम इसको 10 से 15 मिनट तक उबलने के लिए रखेंगे। बीच बीच में हमें इसे हिलाते रहेंगे। अभी हमारी पालक लगभग उबल कर तैयार हो चुकी है, अच्छी तरह से बॉईल हो गई है। अब हम पालक को छान करके इसका एक्सेस वाटर अलग कर लेंगे। पालक में हमने तड़का देने के लिए 2 प्याज, 1 बड़ी कली अदरक की और 7 से 8 कलियां लहसुन की ली हैं। अब हमारी पालक उबल चुकी है, इसको अब हम छान लेंगे। और इसका एक ट्रिक और है, ताकि पालक का कलर चेंज ना हो, वो ये है कि पालक को उबाल के छान करके हमें तुरंत से इसे ठंडे पानी में मिक्स कर लेना है, जिससे पालक का कलर चेंज नहीं होता। ये देखिए, अभी हम इसको ठंडे पानी में डालेंगे। इससे क्या होता है कि पालक का ओरिजिनल कलर रहता है और इसका ग्रीन कलर में ही रहती है, इसका डल कलर नहीं होता। अब ये जो छना हुआ पानी है, एक्सेस वाटर है, इसको हम और भी यूज़ कर सकते हैं, आटा बना गूंथते समय भी डाल सकते हैं। इसके लिए मैंने ये मसाला भी तैयार किया पालक के लिए। अब हम गैस के ऊपर कढ़ाई चढ़ाएंगे, इसमें ऑयल डालेंगे, और सबसे पहले इसमें हम जीरा तड़केंगे, जीरा डालेंगे। जीरे में तड़का आने के बाद इसमें हम हींग, थोड़ी सी हींग डालेंगे। हींग डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी होती है, इसके लिए मैं हींग का यूज़ करती हूँ। इसके बाद इसमें थोड़ा सा लहसुन जो हमने काट के रखा था उसको डालेंगे। फ्रेंड्स, मैं काट कर रखती हूँ, अगर आप लोग काट कर नहीं रखते हैं, पीस कर भी यूज़ कर सकते हैं। अभी ये जब भून गया तो इसमें हम थोड़ा सा अदरक डालेंगे, जो कि मैंने ग्रेट करके रखा हुआ था अदरक। अभी इसमें प्याज डालेंगे, 2 प्याज मैंने काट कर बारीक रखे थे, हम इसको ऐसे फ्राई करेंगे। आप लोग चाहें तो प्याज को पीस कर भी यूज़ कर सकते हैं, मसाला बनाकर कुछ लोग बनाते हैं, लेकिन मैं अपने स्टाइल से बता रही हूँ, इसलिए मैं तो प्याज को काट करके करती हूँ। अब ये प्याज भी हल्का हल्का फ्राई भून गया है, इसका कलर चेंज हो गया। अब इसमें हम टमाटर की प्यूरी मिलाएंगे, जो कि मैंने टमाटर को कद्दूकस करके रखा हुआ था, हम उस टमाटर को इसमें मिक्स करेंगे। अभी ये टमाटर में ही हम, टमाटर जल्दी हो जाए इसके लिए हम इसमें पहले नमक, थोड़ा सा नमक,
और मिर्ची डाल करके भूनेंगे, जिससे पानी टमाटर जो है तेल छोड़ेगा, और जब टमाटर तेल छोड़ देगा तब हम इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे। गरम मसाला ऐड करने से इसका टेस्ट बढ़ जाता है। अभी हम इसमें थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करेंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। थोड़ी देर हम इस गरम मसाले के साथ भी इस प्याज टमाटर और अदरक की पेस्ट को भूनेंगे, जिससे कि गरम मसाले का स्वाद जो है वो प्याज में मिक्स हो जाएगा। अब हमारा मसाला लगभग तैयार हो गया। अब इसमें हम जो हमने पालक पीस कर रखी हुई थी उसे मिक्स करेंगे। अभी देखिए ये पालक बहुत सूखी सूखी लग रही है। अब इसमें जो पालक का एक्सेस वाटर बचा था जो कि उबाल के छाना था हमने, थोड़ा सा वो वाटर इसमें मिक्स करेंगे, जिससे पालक हमारी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अभी हमें इसको लगभग लगभग 5 से 7 मिनट उबालने के लिए रखना है। इसमें उबाल आ गया। अब हम इसको थोड़ा सा ढक करके 5 से 7 मिनट के लिए उबलने को रखेंगे। मैंने पनीर के मैंने टुकड़े करके पहले से रखे हुए थे। अभी ये लगभग लगभग तैयार हो गई है। अब हम इसमें पनीर के पीसेस डालेंगे जो हमने काट के रखे थे। मैंने यहाँ 200 ग्राम पनीर लिया है। आप अपने जितने भी पर्संस हैं उसके हिसाब से आप पनीर का यूज़ कर सकते हैं। पालक मैंने 400 ग्राम ली थी, मैंने आपको पहले बताया था, तो मैं उसके अकॉर्डिंग ही बना रही हूँ। अभी हम इसको एक बॉईल आने तक ढक के रखेंगे, ताकि पनीर में भी जितना भी प्यूरी और जितना भी उसका नमक का टेस्ट हो, मसाले का टेस्ट हो, पनीर के अंदर भी चला जाए। अब हमारी पालक पनीर बनकर तैयार है। अब हम इसे गरम गरम सर्व करेंगे। दोस्तों, आपको मेरा ये पालक पनीर की रेसिपी कैसी लगी, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को लाइक करें, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।